अमेरिका में क्रिसमस से पहले आए बर्फीले तूफान का कहर जारी है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाने वाले इस तूफान को बॉम्ब साइक्लोन कहा जा रहा है। तापमान तेजी से गिरने के बाद भारी ठंड से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर भारी बर्फ के चलते एम्बुलेंस मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है। तूफान से बिजली की लाइनों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और कई शहरों में बिजली गुल हो चुकी है। पूरे अमेरिका में हजारों कारोबारियों का कामकाज ठप हो गया है। कई शहरों में तापमान शून्य से -42 डिग्री तक पहुंच गया है। इधर कनाडा में भी तूफान से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मेक्सिको में भी तूफान का असर देखा जा रहा है। तूफान के इन वीडियो से हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। खराब मौसम की वजह से अमेरिका में 4 दिन से 12,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। कई एयरपोर्ट्स के रनवे बर्फ में दब चुके हैं। इस वजह से लोग अपने घर जाकर क्रिसमस नहीं मना सके। उन्हें एयरपोर्ट के फर्श पर सोकर रात बितानी पड़ी। कार से ट्रेवल कर रहे कई लोग रास्तों में ही फंस गए हैं। आपको बता दें कि साइक्लोन ने 3,200 किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका के मोंटाना शहर में शनिवार को पारा -42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं न्यूयॉर्क स्टेट के शहर बफेलो में 8 फीट बर्फ की चादर बिछ गई। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर लोग सर्दी से बेहाल हो गए हैं और कई जगहों में बाढ़ जैसे हालात भी देखे जा रहे हैं।